अस्सलाम वालेकुम जी। लो जी दोपहर हो गई है तो रोटी भी आ गई मेरी, तो वह खा ली है। उस तो बाद जरा आराम करा तो फिर इंशाल्लाह जरा ना जरा कोई काम शाम रहा वो कर लें। माशाल्लाह जी खाना गया, तंदूरी रोटियां न ते देसी घ्यो ना अल्लाह का शुक्र चोपड़ियां ते प्याज जड़ा ना प्याज खाना चाहिए गर्मिया में खासकर दोपहर में मर्द वास्ते बहुत चंगा। नाल जड़ा ना उंज भी कहिंदे ने कि अजकल सप्प की बहार हुंदी है मुंजियां लगदियां ना ते सप्प जड़ा ना वह बन्नियां ते अक्सर पानी हुंदा तो फिर बन्नियां ते निकल आउंदे ने। कहिंदे ने प्याज खाओ ना प्याज यदि बदबू ना सियाने कहते हैं कि सप थोड़े तो लागे नहीं आएगा, यानी कि दूरों बो आती है तो भज जाता है। वह अला मेरे की सच्चाई हो लेकिन अभी शुरू तो यह गल सुनते आ रहे हैं। कपड़े भले तो स्वाद नहीं आ रहा। दोपहर में अचार जोड़ा ना अचार में बड़े शौक ना खाना होता प्याज हो ना कभी लस्सी फिर बहुत ही चल सकती है। लस्सी असल कल लाभे लगे रहे हैं तो पट्ठे थोड़े जे हो गए लेट तो मज उतर जाने मिली नहीं उन्होंने कहा तुम पट्ठे टाइम ना पर मैं भी नहीं मिलना उसकी वजह तो लस्सी का नागाज हो गया। नहीं तो जो ना लस्सी का घुट आता ना फिर मज़ा आता है चार ना रोटी खाने का। अचार भी बड़ा मजेदार होता है। सूर्य का अचार में बड़े शौक में खाना जी आमले का। आमले का तो खैर पाया नहीं तो सूर्य का पाया है शायद वीडियो देखा कुछ दोस्त कह कि प्याज खाने मूँह च बदबू आती है बेशक आती है कच्चे प्याज में पर उस तो बाद अगर थोड़ा जा गुड़ खा लिया जाए ना तो बदबू नहीं आती तो गुड़ अलहमदुलिल्लाह तुम्हें पता है कि पिंड थावान से आम हों तो खा ली तुम तो शुक्र अलहमदुलिल्लाह अल्लाह पाक दा लाखा शुक्र है खाना खा लिया अल्लाह पाक ने नाज किया अल्लाह पाक सब दे नसीबा में चंगा खाना करे। देसी खाने का तो अपने फिर मज़ा है ना चटपटे जो शहर के मसालेदार सप्ता अपना होटलों में वो भी खाते हैं लेकिन उन्होंने अक्सर मेदे खराब रहेंगे
पर आ जो सादा देसी खाने ना अलहमदुल्ला जो मेदा भी सैट रहा नजामी निजाम सारा कुछ सही ठीक है। इंशाल्लाह कल मिलने किसी और वीडियो के नाल। मैंने इजाजत अपना बहुत सारा ख्याल रखो। रब रखो।